नेपोलियन हिल। दोस्तों, इस किताब की थीम है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे इम्प्रूव करें। यह बुक आपके जीवन को बेहतर बनाने, आपके गोल्स को पूरा करने के करीब ले जाने के कई टिप्स और लाइफ हैक्स की एक वाइड सीरीज को प्रेजेंट करती है। इसमें अपने द्वारा बताई गई टेक्निक्स में से कई पॉजिटिव थिंकिंग की फार से बनी है दोस्तों, जो नेपोलियन हिल ने बताई है। लगभग 100 साल पहले बताई गई ये बातें आज की सेल्फ हेल्प और पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरीज की फाउंडेशन है दोस्तों। नेपोलियन हिल एक जाने माने मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट राइटर थे। उनकी लिखी हुई किताबें आज भी लाखों लोगों के द्वारा पढ़ी जाती हैं। आइए दोस्तों, नेपोलियन हिल की गोल्डन किताब की इंग्लिश बुक समरी को सुनते हैं। नेपोलियन हिल ओरिजिनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरुज में से एक थे और 1920 और 30 के दशक में पब्लिश होने के बावजूद उनकी किताबें अब तक की सबसे अच्छी तरीके से बिकने वाली किताबों में से आती हैं। उन्हें विश्वास था कि आपको जीवन में सफल होने के लिए नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा होने की जरूरत नहीं है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से उनकी एडवाइस रीडर्स को आज भी अट्रैक्ट करती है। हिल के अनुसार, थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच और कड़ी मेहनत के साथ कोई भी अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए जरूरी स्किल्स डेवलप कर सकता है और अपने फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो नेपोलियन हिल की तकनीकें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि हम कैसे सोचते हैं। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने को अच्छे लक के योग्य मानते हुए और नेगेटिव विचारों को सोचना बंद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है दोस्तों, जिसे नेपोलियन हिल सिखाते थे। जैसे कि आप आगे सुनेंगे, जब आप अपने विचारों को एक्शन में डाल देते हैं तो आप नई स्किल्स और सहायक आदतों को डेवलप कर सकते हैं। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में एनर्जी और एक्शन आ जाते हैं दोस्तों। हम अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन बनाते हैं और इससे ट्रांसफॉर्मेटिव सफलता मिल जाती है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात की है जो पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और वह अपने हाथों में आई हर चीज में सफल होने लगता है? शायद आपको लगता है कि वह लकी है, या आप जेलस फील करते हैं कि वह सफलता की सीक्रेट को जानता है और आप नहीं जानते। लेकिन यहाँ एक बात है दोस्तों, हम सभी जीवन में जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। इसका सीक्रेट यह है कि हम अपने विचारों का उपयोग कैसे करते हैं। इसका एक शक्तिशाली तरीका ऑटो सजेशन के थ्रू होता है, जो आपको अपने दिमाग को इंस्पायरिंग थॉट्स और इमेजेस को दिखाकर एक व्यक्ति के रूप में डेवलप करने के तरीके को शेप करने की परमिशन देता है। ऑथर इमेजिनरी मीटिंग्स को सोचने की डेली प्रैक्टिसेस करते थे, जहां वे अब्राहम लिंकन, सोक्रेटिस, नेपोलियन और एरिस्टोटल जैसे प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक मेहमानों के साथ बैठकर चैट करते थे। इन इमेजिनरी मीटिंग्स के दौरान हिल अपने गेस्ट की कुछ ऐसी स्पेशलिटीज पर फोकस करते थे जिन्हें वह खुद में डेवलप करने की उम्मीद करते थे। लिंकन के केस में उन्होंने दूसरों की मदद करने और चीजों को करने के नए तरीकों को खोजने में साहसी होने की क्षमता को उन्होंने अपने अंदर विचार करने की उम्मीद की और ऐसा वो करने लगी। हर रात हिल इस प्रैक्टिस को करने में 1 घंटे बिताते थे, जिससे उनकी बैठकों में और अधिक इंस्पायरिंग फिगर्स जुड़ जाते थे, क्योंकि वह उनके बारे में सीखते थे। उन्होंने पाया कि प्रेरणादायक विचारों पर फोकस करने के लिए ऑटो सजेशन का उपयोग करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और सफलता को पा सकते हैं। हिल के मामले में ऑटो सजेशन ने उन्हें पब्लिक स्पीकिंग के उनके डर को दूर करने, हेनरी वार्ड बीचर जैसे सफल स्पीकर के गुणों पर फोकस केंद्रित करने की अनुमति दी थी। 1 हफ्ते के ऑटो सजेशन के बाद हिल को एक बेहद सफल भाषण के बाद एक स्टैंडिंग ओवेशन और लिखा हुआ इन्विटेशन मिला। 1 साल के बाद वह अमेरिका में सबसे ज्यादा डिमांडेड वक्ताओं में से एक के रूप में देश का दौरा करने लगे। उन्हें द एसोसिएटेड एडवर्टाइजिंग क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड से पिट्सबर्ग में एक सम्मेलन में 1920 के भाषण के लिए पुरस्कार भी मिला दोस्तों। और यह सब द पावर ऑफ थॉट से ही पॉसिबल हो पाया था। शेक्सपियर हमें सिखाते हैं कि किसी के आत्मविश्वास को कैसे प्राप्त किया जाए। यह सफलता की एक और कुंजी होती है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। कठिन समस्याओं के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन की जरूरत होती है। फिर भी जब इन वास्ट और स्ट्रांग विचारों को डेवलप करने की बात आती है तो 2 डिफिकल्टीज होती हैं दोस्तों। कोई विचार डेवलप करना और दूसरा यह विश्वास दिलाना कि वह कितना महान है। अक्सर बाद वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे कठिन है। यदि आप दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए अपने स्किल्स में सुधार करना चाहते हैं तो आपका बेस्ट टीचर कोई गुरु या बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि यह एक कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर है दोस्तों। उनके जूलियस सीजर नाम के प्ले में हम देख सकते हैं
कि किसी के दिमाग को बदलने का रास्ता उसकी तरफ से कैसे शुरू होता है। सीजर के अंतिम संस्कार के दौरान मार्क एंटोनी ने अपने मित्र सीजर को एक महान व्यक्ति के रूप में देखने के लिए उपस्थित लोगों के दिमाग को बदलने का प्रयास किया। यह काफी चुनौती भरा था क्योंकि भीड़ को एड्रेस करने वाले पहले व्यक्ति ब्रूटस थे, वह व्यक्ति जिसने सीजर को मार डाला, जो एक इंटेंस या स्ट्रॉन्ग भाषण देता था जो कि सीजर के बारे में सब कुछ बताता है। एक बार ब्रूटस अपनी स्पीच को समाप्त करता है तो उसके बाद मार्क एंटोनी की बात करने की बारी आती है। वह जानता है कि भीड़ पर अपनी पोजीशन को एक्सप्रेस करके अपने काम को पूरा नहीं कर सकता है वह, और ब्रूटस ने जो विवाद क्रिएट किया था उससे उल्टा कहना था। इसलिए वह ब्रूटस की प्रशंसा के साथ शुरू करता है और यह स्वीकार करता है कि सीजर को भुला दिया जाना चाहिए। यह जल्दी से मार्क एंटोनी को भीड़ को अपनी तरफ करने की अनुमति देता है। इसके बाद वह अपने दर्शकों को नए विचार को बताना शुरू कर देता है, जैसे रोम की आबादी के लिए सीजर ने कितना कुछ किया है। उसने अपनी वसीयत में भी लिखा है कि वह चाहता था कि उसकी संपत्ति रोमन के लोगों के पास जाए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मार्क एंटोनी ने ब्रूटस की प्रशंसा से शुरू करके माहौल को धीरे धीरे उसके खिलाफ बना दिया। अंत में मार्क एंटोनी भीड़ के माइंडसेट को पूरी तरीके से बदलने में सफल रहे, ताकि वे सीजर की हत्या के लिए ब्रूटस की निंदा कर सके और उसे रोम से बाहर निकाल सके। इस तकनीक को प्रोफेशनल वर्ल्ड में आसानी से लगाया जा सकता है दोस्तों। पॉजिटिव सजेशन काम पर परफॉर्मेंस में सुधार कर सकते हैं और यहाँ तक कि लोगों को स्वस्थ भी बना सकते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों यदि आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो क्या आप उस समय को याद कर सकते हैं जब आपको बुरी तरीके से अपमानित या परेशान होने के बाद उचित रूप से इंस्पायर्ड महसूस हुआ था? शायद नहीं, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट के थ्रू ये करना सबसे अच्छा तरीका है। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपने एम्प्लॉयज के काम के परफॉर्मेंस में सुधार करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव सुझावों का उपयोग करने की जरूरत है। लेखक एक मैनेजर को जानते थे जिसने कभी अपने एम्प्लॉयज की आलोचना नहीं की। इसके बजाय वह ऑफिस में घूमा करता था और हर एम्प्लॉय की एक बार उसके अच्छे काम के लिए तारीफ करता था। ऐसा करते समय वह हमेशा छोटा सा सजेशन देता था कि अगर वह कोशिश करते हैं तो वह और भी बेहतर कर सकते हैं। एक मौके पर मैनेजर को ऐसे एम्प्लॉय से निपटना पड़ा जिसकी पोटेंशियल कम होती जा रही थी, लेकिन वहां भी उसके पॉजिटिव सजेशंस ने काम किया दोस्तों। मैनेजर जानता था कि उस एम्प्लॉय की आलोचना करना केवल उसे और बुरा काम करने के लिए मजबूर करेगी, इसलिए उसने अपना हाथ कर्मचारी के कंधे पर रखा और उसे बताया कि वह इस बात से प्रभावित था कि उसके काम की गति में इम्प्रूवमेंट हुआ था और यह कि अन्य कर्मचारियों के लिए वह एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा था। उसी दिन के अंत तक कर्मचारी की एफिशिएंसी 25% तक बढ़ गई दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप एक सेल्स पर्सन हैं तो आपको पॉजिटिव सजेशन के लाभ का अनुभव करना बेहद आसान लगेगा। उदाहरण के लिए इसे अपनी सेल्स पिच का हिस्सा बनाएं। जब किसी प्रोडक्ट को कस्टमर प्रेजेंट करते हैं तो मेंशन करें कि यह एक नया प्रोडक्ट है और फिर वह निश्चित रूप से पहचान लेगा कि इसके न्यूमरस फीचर्स के कारण यह कितना उपयोगी है। इस तरह ग्राहक नहीं सोचेंगे कि आप उसे किसी भी चीज को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बजाय आप ब्रीफ में सुझाव देंगे कि ना केवल हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है यह, बल्कि यह कंक्लूजन निकालना उसका विचार था, ना कि आपका। फाइनली पॉजिटिव सजेशन की फार से आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं दोस्तों। बेहतर बिजनेस डील्स के लिए प्रार्थना की शक्ति और द लॉ ऑफ रिटेलिएशन का उपयोग करें। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना के बारे में सोचते हैं तो आपका फर्स्ट थॉट फार के लिए और अधिक गुणकारी होने के लिए प्रार्थना करना होता है या किसी और के लिए अच्छा होना चाहिए। लेकिन प्रार्थना का उपयोग अधिक प्रैक्टिकल थिंग्स के लिए भी किया जा सकता है, जैसे आपके बिजनेस पे इम्प्रूव करने के लिए। प्रार्थना का उपयोग करने के लिए आपको किसी स्पेशल ट्रस्ट या एक भगवान या दूसरे से बेहतर होने में विश्वास नहीं करना है। यहाँ तक कि हिल के केस में जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स में एक थॉट भेज रहे हैं और वह विचार बिजली की लहर की तरह काम कर सकता है। वह आपके बिजनेस के बेनिफिट्स को प्रभावित करता है और वह आपकी प्रार्थना के बारे में हो सकता है दोस्तों। एक बार जब हिल एक बिजनेस डील को नेगोशिएट कर रहे थे तो उन्होंने एक संभावित नए बिजनेस पार्टनर को प्रेजेंट किए जाने वाले प्रपोजल को कैंसिल कर दिया। उन्होंने एक प्रार्थना भेजी कि वे अपना मन बदल देंगे और प्रपोजल को स्वीकार करेंगे, और प्रार्थना के 2 मिनट बाद ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों। एक और टूल जो आपके बिजनेस को लाभ पहुंचा सकता है वो है लॉ ऑफ रिटेलिएशन। कहा गया है दोस्तों कि जब आप लोगों के लिए काम करेंगे तो लोग भी आपके लिए काम करेंगे।
ये कहने में आसान लग सकता है दोस्तों, लेकिन ये सफलता पाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इस प्रिंसिपल के साथ आप किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार तब तक कुछ भी करने के लिए तैयार कर सकते हैं जब तक कि आप पहले उसके लिए कुछ कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि कोई आपको कुछ दे। इससे पहले कि वो कुछ दे, मान लीजिए कि एक लड़का और उसका दोस्त खेल के मैदान में दोपहर का भोजन कर रहे हैं और एक लड़का पूछे बिना दूसरे से एक रोटी खींचने की कोशिश करता है। संभावना है कि एकमात्र चीज उस लालची लड़के को मिलेगी वो है एक पंच। हाँ दोस्तों, वो देना नहीं चाहेगा, लेकिन क्या होता है अगर लड़का अपने दोस्त को अपने टिफिन में से एक स्नैक्स का ऑफर करता है और फिर हम देख सकते हैं कि वो जो दूसरा दोस्त है वो शायद लड़के के बिना बोले ही अपना स्नैक, अपनी रोटी उसको दे दे। ये स्कूल यार्ड का लेन देन बिजनेस पर भी लागू होता है दोस्तों। यदि आप अपने सफल सहयोगियों को अपनी बिजनेस पार्टनरशिप में से किसी एक की सिफारिश करने के लिए कहते हैं तो सबसे पहले आप जो कर सकते हैं वह उस सहयोगी के बारे में आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स को बता सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सफलता का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों, और अफर्मेशन के माध्यम से इसमें सुधार किया जा सकता है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। कई लोग जीवन के थ्रू दो मेन गोल्स के साथ जाते हैं, जो मटेरियल वेल्थ और हैप्पीनेस का गोल होता है दोस्तों। अच्छी खबर यह है कि आप इन दोनों को केवल एक स्पेशलिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शुरुआत करने के लिए आप ये समझने का प्रयास करें कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना कैसे खुश रह सकते हैं। क्योंकि यदि आप जीवन में जो चीजें चाहते हैं उन्हें हासिल करने की आशा रखते हैं तो आपको पहले विश्वास करना होगा कि आप उन चीजों के लायक हैं, और यह सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही हो सकता है दोस्तों। आप सप्ताह भर 7 दिन का काम कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना आप कभी भी बड़ी कमाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह अवसर को पाने, पॉसिबिलिटीज को लेने और इनोवेटिव होने के लिए होता है। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करते हैं, यह सब कुछ समझने के बारे में होता है दोस्तों, कि आपका जीवन और खुशी आपके हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। आपको अपने जीवन के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करना होगा। एक बार जब आप ये मानना बंद कर देते हैं कि अन्य लोग आपके भाग्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या ये लोग आपके लिए मिसफॉर्चुनेट हैं, आप ये देखना शुरू कर सकते हैं कि आप अपनी असफलताओं को अपने सामने पाएंगे। जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एनर्जी और लाइफ पावर के एंडलेस सोर्सेस एकदम खत्म हो गए हैं, और इसके विपरीत ही अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एनर्जी और लाइफ पावर के एंडलेस सोर्सेस पहुंच सकते हैं। आपको अपने सबसे चैलेंजिंग गोल्स तक पहुंचने की परमिशन खुद में खुद मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों, समझ में इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने में मदद के लिए अफर्मेशन का उपयोग करना बेहद जरूरी है। एक अफर्मेशन केवल एक पॉजिटिव थॉट है जिसको दोहराया जा सकता है जब तक कि ये रियलिटी ना बन जाए। जब तक आप इस पर फोकस कर सकते हैं, कुछ पावरफुल अफर्मेशंस में से एक है, मुझे पता है कि अगर मैं वास्तव में इस पर विश्वास करूंगा और इस पर काम करता हूं तो सफलता निश्चित ही मेरी होगी। मुझे पता है कि जो कुछ भी मुझे लगता है वह अंततः फिजिकल वर्ल्ड में एक भौतिक रूप लेता है। यही कारण है कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही मेरे सामने क्रियान्वित होकर सामने आ जाता है। मैं सफलता के लिए अपना रास्ता खुद सोच रहा हूं। हर दिन मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, जब तक कि मेरी इमेज इतनी वाइड ना हो जाए कि यह रियलिटी बन सके। अब से मैं वही योजना बनाकर शुरू करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, और फिर जब तक यह रियलिटी में न बदल जाए तब तक मैं पूरी तरीके से इस योजना पर फोकस करूंगा। यदि आप हर दिन इन अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आप अपने आत्मविश्वास और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मेमोरी को मजबूत करने के टिप्स में एक टेक्निक शामिल है जो हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को भी तेज करती है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही जाना पहचाना सीन है दोस्तों। आप एक पार्टी में हैं और आपको देखकर कोई इंसान मुस्कुराता हुआ एक दोस्ताना ग्रीटिंग के साथ आपकी ओर बढ़ता है। वह आपका नाम जानता है या आप उससे कहाँ मिले थे या आपको याद नहीं आ रहा है। ओह, ये कितना अजीब है ना दोस्तों। हालांकि इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण नेटवर्किंग के चैलेंजेस हमें रोज फेस करने पड़ते हैं दोस्तों, यहाँ अच्छी खबर यह है दोस्तों कि मेमोरी को मजबूत किया जा सकता है। आपके मेमोरी बैंक को रिचार्ज करने के लिए 3 कदम इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके इसको सुनते हैं। सबसे पहले, अटेंशन पे करना सीखें। यदि आप नए लोगों से मिलने के दौरान हमेशा डे ड्रीमिंग करते हैं या कहीं और खोए खोए से रहते हैं तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए दोस्तों जब आप बाद में किसी के नाम को भूल जाते हैं, तो ये तो होगा ही। इस तरह यदि आप यह भूल जाते हैं कि आप अपनी कार को कहाँ पार्क करते हैं और आप किन सड़कों पर जाते हैं तो आपको बाद में अपना रास्ता खोजने में परेशानी होगी। तो जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं
तो सावधानी से किसी व्यक्ति को देखने के लिए समय निकालें और उसके पूरे इंप्रेशन को समझना शुरू करें। दूसरा कदम मेंटल एसोसिएशन बनाना होता है दोस्तों। जब कोई आपको अपना नाम बताता है तो यह एक अच्छा मौका है कि आप उस चीज से इसे कनेक्ट करें जो या तो उसका नाम शेयर करता है या उसके बहुत करीब है। यह एक और व्यक्ति हो सकता है, एक जगह हो सकती है, एक पसंदीदा प्रोडक्ट हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है दोस्तों, जो आपके और आपके जीवन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम आपकी बहन के नाम से मैच करता है, तो उसे अपनी बहन के साथ देखें दोस्तों। यदि आप क्लेयर नाम के किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे आप पसंदीदा टॉफी चॉकलेट एक्लेयर के साथ जोड़ सकते हैं दोस्तों। तीसरा और अंतिम कदम रिपीटेशन की फार होता है दोस्तों। किसी परिचित के नाम सुनने के तुरंत बाद उसको दो बार दोहराने से ये नाम आपको बहुत स्ट्रांगली याद हो सकता है। इसकी इफेक्टिवनेस को कम ना समझे दोस्तों। अगले कुछ दिनों में समय समय पर नाम को याद करना भी बुद्धिमानी है दोस्तों। याद रहे कि ये जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये बेहद ज़रूरी है आपके सपनों के लिए भी, आपके गोल्स के लिए भी। क्योंकि अगर आप अपने गोल्स, आप क्या बनना चाहते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो आप कैसे उस पर फोकस रख पाएंगे, कैसे उसको हर वक्त याद रख पाएंगे, कैसे उन अफर्मेशंस को इंटेंशंस के साथ अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों मेमोरी बेहद ज़रूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को एक मजबूत मेमोरी वाला इंसान देख सकते हैं। तो मेमोरी में सुधार के लिए एक और तरकीब होती है दोस्तों, अपने सेंसेस को तेज करना। यहाँ तर्क यह है कि जब ऑब्जर्वेशन की आपकी पावर मजबूत होती है तो आपकी याददाश्त भी तेज होती है। यहाँ एक सिंपल एक्टिविटी है दोस्तों जिसे आप ऑब्जर्वेशन और मेमोरी की अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। अपने घर में एक कमरे में प्रवेश करके इसे शुरू करें दोस्तों। जो कुछ भी आप देखते हैं उसे ध्यान से देखें, फिर कमरे से बाहर निकलें और जो कुछ भी आप याद कर सकते हैं उसे लिखना शुरू करें। विभिन्न कमरों का उपयोग करके रोजाना इस एक्टिविटी को दोहराएं दोस्तों। जल्दी आपकी मेमोरी और ऑब्जर्वेशन स्किल दोनों ही तेज हो जाएंगे। अब आप सफलता के गोल्डन रूल्स को जानते हैं, अब उन्हें आपके और आपके गोल्स के लिए काम करने के लिए शुरू करने का समय है दोस्तों। दोस्तों एक बार जब आप सक्सेस पर फोकस करते हैं तो यह आपकी पहुंच से बाहर नहीं होती है, यह आपकी पहुंच में आ जाती है। सही विचारों को डेवलप करिए दोस्तों और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करके आप जल्द ही अपने गोल्स के करीब पहुंच सकते हैं। ऐसी कई तकनीकें हैं जो इंपॉर्टेंट सोशल कॉन्टैक्ट्स को बनाने, बड़ी बिजनेस डील्स को फाइनल करने और यूजफुल हैबिट्स को बिल्ड करने में आपकी मदद कर सकती है। यह आपके जीवन को आसान बनाती है दोस्तों। इसके लिए सभी को कम से कम एफर्ट की जरूरत होती है। अपने जीवन में रियल चेंजेस को प्रभावित करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग की फार को कभी कम मत समझिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने जानकारों के बीच इसे अवश्य शेयर करें और हमारे उड़ान एनजीओ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम इन समरीज के साथ एक्शन टिप्स भी अपनी ऐप पे जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं। वो एक्शंस आपको क्लियरली बताएंगे कि इन बुक्स को अपनी लाइफ में कैसे आप लगाएं और स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन किताबों को खरीद भी सकते हैं दोस्तों। हमारी टीम चाहती है कि आप लोग चैंपियन बने, इसी मिशन के साथ आपके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। पर ये ध्यान रखिए कि केवल शब्दों से मोटिवेट होकर ही आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों, बल्कि हमें अपनी लर्निंग्स को एक्शन में डालना आना चाहिए। इसलिए हम आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से भरी कई सारी वर्कशॉप्स लगातार पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इन वर्कशॉप्स में आप मेरे थ्रू यानी आदि गुरुदास के थ्रू आप पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, करियर काउंसलिंग, इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक्स और लीडरशिप जैसे कई लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स को सीखकर अपने गोल्स को और तेजी से हासिल कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी पाने के लिए, हमारी वर्कशॉप के बारे में और जानने के लिए हमें आज ही 9829644744 या 9024101644 पर कॉल करें। धन्यवाद।